एक और इंसिडेंट हुआ था, स्वर्गीय सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस टाइम के, 7 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन से मिले। उन्होंने उन्हें समझाया कि 327 छोटे छोटे ऐसे रूलर्स हैं इंडिया में जिनका एवरेज एरिया 30 स्क्वायर माइल से ज्यादा नहीं है, एवरेज पॉपुलेशन 3000 लोगों की है और उनका एवरेज रेवेन्यू जो है वो 22,000 है साल का। ब्रिटिश क्राउन के अंदर उनको बस छोटे छोटे डिसीजन लेने की पावर थी, वो ज्यादा से ज्यादा किसी को 3 महीने की सजा दे सकते थे, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए का फाइन किसी पे लगा सकते थे। एकदम से जब लैप्स ऑफ पैरामाउंसी लग जाएगा तो ये सारे रूलर्स को एक ही रात में कुछ घंटों में जिंदगी और मौत का फैसला करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एक ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे स्टेट जिनका ज्यादा कोई खास सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लैंड नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, इनको जो उनकी करेस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट होगी, मोस्टली वो इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, वही उनके ये डिसीजन ले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद। इस बात ने भी लॉर्ड माउंटबेटन को काफी कन्विंस किया था और ये सारी बातें मिला के ही फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन ने आगे जाके इंडिया को हेल्प की कि भाई प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिलाया जाए।